दोस्तों नमस्कार। बजट 2024 अब आपके मेरे सामने है और जनता की उम्मीद तो ये थी कि शायद स्लैब रेट में कोई बदलाव मिले या कोई टैक्स रिलैक्सेशन मिले, परंतु अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार ने अंतरिम बजट की लाज रखते हुए जनता को अभी कुछ नहीं देने का निर्णय लिया। हो सकता है जब नई सरकार आए वो अपने नए बजट में कुछ एग्जम्पशन, कुछ बेनिफिट्स दे, परंतु अभी के लिए एक विशेष बेनिफिट जिसे देने की बात सरकार ने करी है वो है एमनेस्टी स्कीम, जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट में जिसकी चर्चा करी। तो इसी संदर्भ में ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में ये एमनेस्टी स्कीम किस प्रकार की हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले की हाइलाइट्स, यानी जो मैं यहां पर एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं कर रहा कि क्या चेंजेस हुए, अगर व्यक्तिगत कर की दरों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नो चेंजेस इन न्यू स्लैब रेट एज वेल एज ओल्ड स्लैब रेट। इसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसाई वित्त वर्ष 24-25 के लिए भी ओल्ड स्लैब रेट, न्यू स्लैब रेट सेम रहेंगी। बाय डिफॉल्ट रिजीम न्यू टैक्स रिजीम रहने वाली है। नो चेंजेस इन सरचार्ज रेट, 50 लाख या उससे ऊपर की टोटल इनकम एक्सीड होने पर सरचार्ज शुरू होता है लगना, वो रेटें भी यथावत रखी गई हैं। नो चेंजेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसे हम HEC बोलते हैं, 4% की रेट, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। और इसी प्रकार कैपिटल गेन की टैक्स रेट या कैपिटल गेन का पीरियड ऑफ होल्डिंग से 1 ईयर से बढ़ाना या घटाना, इस संदर्भ में भी कोई चेंजेस इस बजट में प्रस्तावित नहीं किए गए। दोस्तों आपको लेके आ रहा हूं सीधे बजट स्पीच पर, कि बजट स्पीच में ये जो एमनेस्टी स्कीम की बात करी उसका बैकग्राउंड माननीय वित्त मंत्री महोदया ने क्या रखा। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पेटी नॉन वेरीफाइड नॉन रिकनसाइल्ड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड, यानी वित्त मंत्री मानती हैं कि हाँ ऐसी डिमांड है जो डिपार्टमेंट की ओर से करदाताओं के विरुद्ध जनरेट हैं, जिनको वो या तो पेटी मानती हैं, नॉन वेरीफाइड मानती हैं, नॉन रिकनसाइल्ड मानती हैं या डिस्प्यूटेड मानती हैं। मेनी ऑफ देम डेटिंग एज फार बैक एज ईयर 1962, इवन 1962 से भी पुरानी डिमांड डिपार्टमेंट के पास अभी बकाया है। विच कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द बुक्स कॉजिंग एंजाइटी टू द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स एंड हिंडरिंग रिफंड ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। नेचुरली ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है कि आपने रिफंड क्लेम किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको रोक लिया ये कहकर कि आपकी पिछली डिमांड बकाया खड़ी है, और ऐसा बहुत से केसेस में मैंने वास्तविक रूप में होता भी देखा है। सो यहां पर वित्त मंत्री महोदया ने फिर कहा कि आई प्रपोज टू विड्रॉ सच आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड टू ₹25,000 पर्टेनिंग टू द पीरियड टू फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड अप टू ₹10,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10-11 टू 2014-15। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट अ करोड़ टैक्स पेयर। तो यहां ये बात आई कि लगभग 1 करोड़ करदाताओं को ये स्कीम, जो एमनेस्टी स्कीम वित्त मंत्री जी ने बात की है, उसका फायदा 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसा एक एस्टिमेशन यहां किया गया। चलिए, जो एमनेस्टी स्कीम की बात हुई है जिसका अभी मैंने एक पैराग्राफ भी पढ़ा बजट स्पीच में से, इसका एक मूल जो बात पकड़नी है अपने को वो क्या है कि ये किसके लिए लागू होगी। यदि किसी करदाता की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड ₹25,000 तक है वित्त वर्ष 2009-10 तक के लिए, आप इसे उदाहरण से ऐसे समझे कि मान लीजिए ऑनलाइन आज की डेट में असेसमेंट ईयर 8-9 या 9-10 के लिए या 10-11 के लिए आपके ₹25,000 ड्यू दिख रहे हैं, तो एमनेस्टी स्कीम ये कहती है कि भारत सरकार उसको भूल जाएगी, उस डिमांड को आपसे नहीं मांगेगी। इसी प्रकार अगर 2010-11 वित्त वर्ष से लेकर के 2014-15 तक की डिमांड है तो ₹10,000 तक की डिमांड भारत सरकार आपसे परसू नहीं करेगी, यानी उसको वेव कर देगी, विड्रॉ कर लेगी। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया मैंने आपके सामने इस एमनेस्टी स्कीम का, जैसा कि मैं प्राइमा फेसाई समझ पाया, रखने की कोशिश की। अब दोस्तों जैसे ही एमनेस्टी स्कीम की बात हुई तो नेचुरली क्योंकि लॉ से रिलेटेड बात है तो क्वेश्चंस उठना स्वाभाविक है। पहला क्वेश्चन उठा वेदर टैक्स डिमांड इंक्लूड्स टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनल्टी ऑल और नॉट, यानी ये जो टैक्स डिमांड की लिमिट 25,000 10,000 तय की गई, इसमें केवल टैक्स होगा, केवल इंटरेस्ट उसके साथ शामिल होगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट या पेनल्टी की राशि भी इसमें शामिल है, अभी ये क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार वेदर द वेवर लिमिट इज पर ईयर और टोटल एडवॉक लिमिट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज किसी व्यक्ति के 2 साल में डिमांड हर साल में 25,000 25,000 है,
से वित्त वर्ष 10-11 तक की, तो क्या उस व्यक्ति को दोनों ईयर में ही ये वेवर मिलेगा, एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा? ऐसी क्लैरिटी भी अभी के लिए उपलब्ध नहीं है। वेदर एनी स्पेसिफिक सेक्शन प्रपोज टू बी इंसर्टेड इन दिस रिगार्ड? मेरी ओपिनियन में दोस्तों, जो फिनेंस बिल अभी आ रहा है उसके अंदर कोई सेक्शन प्रपोज नहीं है, यानी बहुत हद तक ये जो एमनेस्टी स्कीम की बात है, इसे सीबीडीटी एक नोटिफिकेशन अथवा सर्कुलर के माध्यम से लेकर के आएगी, जो आने वाले समय में उपलब्ध होगा, और तभी हमें इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर स्पेसिफिकली मिल पाए। फाइनली दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि रास्ता अभी बाकी है, हमें वेट करना होगा कि नई सरकार जब आएगी चुनाव के बाद, तो जब सरकार का पूर्ण बजट पेश होगा अंतरिम बजट के स्थान पर, उस समय ही वित्त वर्ष 24-25 की इनकम टैक्स की रूपरेखा वास्तविक रूप में निर्धारित हो पाएगी। अभी के लिए तो टैक्स पेयर्स को यही क्लू मिला है कि कोई चेंजेस ओल्ड स्लैब रेट न्यू स्लैब रेट में प्रस्तावित कतई नहीं है। तो आई कैन जस्ट से ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।